हाय वेलकम टू कोड फॉर यू, वेलकम सेकंड वीडियो इन द क्विज एप्लीकेशन जावा प्रोजेक्ट सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने दो क्लासेस बनाई थी। पहली थी यहाँ पे लॉग इन क्लास। आप पक्का अगर मैं यहाँ पे चला के दिखाऊँ इसको, तो ये हमारी यहाँ पे लॉग इन क्लास थी। ठीक है, लॉग इन क्लास में अगर आप सपोज यहाँ पे कुछ भी डालते, मैंने यहाँ पे सपोज टॉम डाला, ठीक है, मैंने यहाँ पे रूल्स पे एंटर किया, तो यहाँ पे आएगा वेलकम टॉम टॉम टू सिंपल माइंड्स। ठीक है, और ये यहाँ पे आपके रूल्स हैं। यहाँ पे ये हमारी यहाँ पे सेकंड क्लास थी जहाँ पर हमने ये रूल्स बनाए थे। अब अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो इसके बाद यहाँ पे क्विज स्टार्ट होना चाहिए। अब मेरे को यहाँ पे अपनी नेक्स्ट क्लास बनानी है, जो कि होगी यहाँ पे क्विज के नाम से, जहां पर सभी क्वेश्चंस आएंगे और यूजर वहां पे क्विज का आंसर कर सकता है। ठीक है, वो यहाँ पे इस वाले स्टार्ट बटन के क्लिक पे वाली क्लास खुलेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे जो अपनी क्विज वाली क्लास है यहाँ पे वो बना लेते हैं। तो आपको यहाँ पे पैकेज पर राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, और यहाँ पे आपको जावा क्लास बनानी है, जो कि यहाँ पे होगी आपके क्विज के नाम से। तो क्विज के नाम से मैं यहाँ पे सपोज आपकी जावा की क्लास बना रहा हूँ, जो क्लास है वो यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। वही सेम ड्रिल है कि आपको कमेंट्स यहाँ से सभी हटाने हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एक मेन मेथड बनाना है, क्योंकि जब मैं इस क्लास को रन करूंगा तो जेवीएम देखता है मेन मेथड है क्लास में या नहीं है। अगर मेन मेथड उसको मिलता है तो वो उस वाले मेन मेथड को यहाँ पे कॉल करता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं कर रहा, मैंने बस यहाँ पे सिंपल आपका मेन मेथड जो है यहाँ पे वो बनाया। मेन मेथड बनाने के बाद मेरे को यहाँ पे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम, मैंने यहाँ पे क्विज के नाम से आपका यहाँ पे जो क्लास कंस्ट्रक्टर है मैंने यहाँ पे वो बनाया। अब मेरे को यहाँ पे फ्रेम बनाना है। तो फ्रेम बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन हैं। आपको अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो हमने यहाँ पे दो फंक्शन का यूज किया था, एक था यहाँ पे सेट साइज, दूसरा था यहाँ पे सेट लोकेशन। ठीक है, ये दो फंक्शन हैं जिनका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक और हमारे पास एक और फंक्शन होता है जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, आप उसका भी यूज कर सकते हो। और वो फंक्शन है यहाँ पे सेट बाउंस। अगर सेट बाउंस यहाँ पे किसी को भी कॉल नहीं कर रहा, मतलब कोई भी अगर यहाँ पे कॉम्पोनेंट सेट बाउंस को कॉल नहीं कर रहा, तो बाई डिफॉल्ट इस सेट बाउंस को जे फ्रेम कॉल करता है। ठीक है, तो जे फ्रेम यहाँ पे कॉल करता है इसको, तो आपको यहाँ पे जे फ्रेम को एक्सटेंड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज एक्सटेंड एंड जे फ्रेम, और सेट बाउंड्स की हेल्प से आप यहाँ पे जो एक सेकेंड जावा एक्स डॉट स्ट्रिंग डॉट स्टार, बहुत बढ़िया। एंड जे फ्रेम की हेल्प से होता है, आप यहाँ पे जो आपका फ्रेम का साइज है और जो फ्रेम की लोकेशन है, आप यहाँ पे दोनों को एक साथ सेट कर सकते हो। जैसे सबसे पहले जो इसके ये चार आर्गुमेंट लेता है, पहले जो दो आर्गुमेंट होते हैं वो आपका फ्रेम की लोकेशन होती है। मैंने यहाँ पे डाला सपोज 50 एंड 0, कि लेफ्ट से तो 50 रहे, ऊपर से रहे 0, मतलब ऊपर से बिल्कुल ये टॉप पे खुलेगा। और जो फ्रेम का साइज है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1440 एंड 850। लेंथ मैंने डाली है यहाँ पे 1440 और विड्थ मैंने डाली है यहाँ पे 850। इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने लैपटॉप साइज के हिसाब से, मतलब आपका अगर लैपटॉप, मेरा यहाँ पे जो लैपटॉप साइज है वो फुल साइज है, 18 इंच शायद ये। ठीक है, तो आपको अपने लैपटॉप साइज के हिसाब से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका स्क्रीन से बाहर निकल जाए। तो इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है आपको सेट विजिबल एंड ट्रू। सेट विजिबल टू मैंने यहाँ पे लिखा, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो फ्रेम जो है मेरा वो यहाँ पे बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को एक काम और भी करना है। यहाँ पर मेरे को जो फ्रेम का जो कलर है उसको मेरे को यहाँ पे व्हाइट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा गेट गेट कंटेंट पे नो डॉट सेट बैकग्राउंड। ये हम पीछे कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, ये मैंने आपको करके दिखाया था, और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज कलर डॉट व्हाइट। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे लेआउट को भी सपोज नल कर देते हैं। कलर क्लास यहाँ पे एरर देगी, क्योंकि कलर क्लास जो होती है वो आपके AWT पैकेज के अंदर होती है। तो आपको यहाँ पे जो आपका AWT पैकेज है उसको आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल जावा डॉट AWT डॉट स्टार, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो जो फ्रेम का जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे आपका व्हाइट हो चुका है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे फ्रेम के ऊपर एक इमेज लगानी है। तो इमेज हम लगा सकते हैं, बहुत ईजी है। मैं काम कर रहा हूँ कि जो इमेज का सिंटेक्स जो हमने पीछे यूज किया था, मैं उसको यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, आप भी कॉपी कर सकते हो, दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया, तो यहाँ पे सपोज इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, और इमेज आइकन आइकन, और जो इमेज आपकी वो है आपकी क्विज के नाम से। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखो तो क्विज डॉट जेपीजी, ये वाली इमेज को मेरे को यहाँ पे यूज करना है, तो आपको यहाँ पे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा क्विज डॉट जेपीजी के नाम से। ठीक है, इस इमेज को मैंने यहाँ पे I1 के अंदर डाला, और फिर इस इमेज का जो साइज है वो मैं कितना चाहता हूँ, वो सपोज मैं यहाँ पे डालू 1440, जितना मेरे फ्रेम की लेंथ है। ठीक है, विथ मैं कितनी चाहता हूँ, ये थोड़ा सा आधे से थोड़ी सी कम स्क्रीन पे आए, तो यहाँ पे सपोज मैं डाल रहा हूँ 392। ठीक है, मतलब जितनी फ्रेम की एक्चुअल विथ है, जितनी इमेज की एक्चुअल विथ है, मैंने यहाँ पे वही डाली है। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे जो इमेज है वो यहाँ पर आ चुकी है, जो कि यहाँ पे क्विज के नाम से, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे इसके नीचे मेरे को यहाँ पे कुछ लेबल्स लगाने हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे लेबल होगा वो होगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर के नाम से, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है उसके नाम से होगा। फिर यहाँ पे सेकेंड लेबल होगा आपका एक्चुअल क्वेश्चन, उसके नीचे मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो
उसके लिए आपको यहाँ पे एक जे लेबल बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज जे लेबल एंड क्वेश्चन नंबर इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, ठीक है। इसको इनिशियली यहाँ पे एम्प्टी छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसको मैं डायनेमिकली, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डायनेमिकली इंसर्ट कराऊंगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पे मैंने वैल्यूज को हार्ड कोड कर दिया, अगर सपोज मैंने यहाँ पे 1 लिख के इसको हार्ड कोड कर दिया क्वेश्चन नंबर को, तो ये आपका यहाँ पे हार्ड कोडेड ही रहेगा, जबकि ये वैल्यू या ये जो क्वेश्चन नंबर है ये आपका लगातार चेंज होगा। जैसे आप वहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे आपका टाइम अप हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 की जगह 2 आएगा, 2 की जगह 3 आएगा। तो इस वैल्यू को मेरे को यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करना, इस वैल्यू में, इसमें मैं वैल्यूज को डायनेमिकली इंसर्ट कराऊंगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 1 डाल के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि वो वहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेट बाउंस, ठीक है। मैंने सपोज यहाँ पे सेट बाउंस लिखा, कहाँ पे आपको चाहिए, सपोज लेफ्ट से 100 और ऊपर से कितना चाहिए, ऊपर से 392 तक तो इमेज ही आ रही है, थोड़ा सा बीच में गैप भी चाहिए मेरे को इसको। सपोज ले लेते हैं 450 और इमेज और लेबल की विथ सपोज मैं ले रहा हूँ 50, लेबल की लेंथ 50, विथ 30 ऐड किया मैंने यहाँ पे इसको क्यू क्वेश्चन नंबर को चला के। अगर मैं आपको यहाँ पे देखो तो 1 बिल्कुल परफेक्टली आएगा, आप यहाँ पे देखो 1 यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली लिखा है, बट ये काफी छोटा है तो आप इसका जो फोन साइज है आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज सेट फोन करके आप यहाँ पे एक फोन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मैंने यहाँ पे फोन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, पहला जो इसका आर्गुमेंट होता है वो होता है आपका फोन फैमिली जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज द होमा। सेकेंड जो आर्गुमेंट होता है वो फोन टाइप होता है जो मैं सपोज फोन डॉट प्लेन डाल रहा हूँ। और थर्ड आर्गुमेंट यहाँ पे जो फोन साइज है वो है जो कि यहाँ पे 24, तो 24 मैंने यहाँ पे डाला। आप देखो यहाँ पे 1 यहाँ पे काफी बड़ा बड़ा लिखा है, ठीक है। तो इसको यहाँ से सपोज कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद मेरे को यहाँ पे एक और मेरे को यहाँ पे लेबल चाहिए जो कि होगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन के नाम से, जो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर के जस्ट सामने यहाँ पे क्वेश्चन आके डिस्प्ले होगा, तो वो वाला जो क्वेश्चन होगा उस वो मेरे को यहाँ पे चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज अ क्वेश्चन, अभी के लिए मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, बाद में मैं यहाँ पे जो वैल्यूज है उनको डायनेमिकली इंसर्ट कराऊंगा। कहाँ से मेरे को इसको लगाना है, 100 प्लस 50, 150 तक तो यही जा रहा है, ठीक है। तो या तो ये 150 से स्टार्ट होगा या फिर आप इसको 150 के आगे से स्टार्ट कर सकते हो, सपोज 150 से ही स्टार्ट करते हैं। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ में सपोज फुल स्क्रीन ले रहा हूँ, फुल स्क्रीन तो नहीं बट ठीक है, फुल स्क्रीन से थोड़ा सा कम, मतलब हाफ स्क्रीन से थोड़ा सा ज्यादा ले रहा हूँ, और ये चीज यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। बाकी सब कुछ तो आप सेम रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो 1 एंड दिस इज अ क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब इसके जस्ट नीचे मेरे को यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चंस को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास सभी क्वेश्चंस होंगे, सभी मेरे पास आंसर्स होंगे, तो उसके लिए अब यहाँ पे एक चीज है, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा है आपका वो यहाँ पे हार्ड कोडेड होगा, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं जितने भी आंसर्स हैं मेरे को यहाँ पे वो चाहिए। तो उसके लिए जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे एक 2D एरे मेरे को यहाँ पे चाहिए, ठीक है, क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस के आपके पास यहाँ पे आंसर्स भी होंगे, तो उसको मेरे को कहीं पे स्टोर करवाना पड़ेगा। तो उसको स्टोर करवाने के लिए मैं यहाँ पे 2D एरे बना रहा हूँ। सपोज क्वेश्चंस के नाम से मैंने यहाँ पे 2D एरे बनाया, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू, और ये एक स्ट्रिंग टाइप एरे होगा, स्ट्रिंग टाइप 2D एरे। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चंस में से अब यहाँ पे मेरे को कितने कॉलम्स चाहिए, ठीक है, मेरे को यहाँ पे कॉलम्स आपके मेंशन करने पड़ेंगे कि कितने कॉलम्स चाहिए, ठीक है। वैसे कॉलम्स को मेंशन करना जरूरी नहीं होता, अगर आप सिर्फ रो को मेंशन कर रहे हो तो रो इज इनफ, कॉलम को मेंशन करना जरूरी नहीं होता। अगर मैं यहाँ से रो भी हटा देता हूँ तो ये एरर देगा, बट ठीक है, कॉलम भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। कॉलम में अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो एक रो में मेरे को यहाँ पे 5 कॉलम चाहिए। 5 कॉलम क्यों चाहिए, पहला कॉलम मेरे को यहाँ पे चाहिए क्वेश्चन के लिए जहाँ पे मैं क्वेश्चन को स्टोर करवाऊंगा, और फिर उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन भी हैं, मेरे को यहाँ पे उन ऑप्शन को भी स्टोर करवाना है। तो टोटल कितने होंगे, टोटल मेरे पास हो गए यहाँ पे 5 कॉलम्स, तो मैंने सपोज यहाँ पे 5 डाला, ठीक है। 5 डालने के बाद अब मेरे को आंसर्स भी स्टोर करवाने हैं, कि जो करेक्ट आंसर्स है मेरे को यहाँ पे वो भी तो चाहिए, वो भी यहाँ पे 2D एरे होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है, सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर है, मेरे को यहाँ पे उसको स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा न्यू स्ट्रिंग, और ये सपोज यहाँ पे 10 ले रहा हूँ मैं, 10 क्वेश्चन, और यहाँ पे मैंने सपोज इसको 2 लिया। 2 वैसे मैं फालतू ले रहा हूँ क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे अगर 1 भी डालूंगा ये तो भी चल जाएगा, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चंस आ चुके हैं, यहाँ पे मेरे पास आंसर्स आ चुके हैं। अब जो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो एक्चुअल आंसर्स हैं, अब यहाँ पे मेरे को वो चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल ड्राइव का एक लिंक मिलेगा, उसके अंदर आपको एक टेक्स्ट फाइल मिलेगी, आप वहां से ये सभी क्वेश्चंस उठा सकते हो। आप यहाँ पे देखो जो 0th पोजीशन है उसके 0th पोजीशन पे यहाँ पे क्वेश्चन स्टोर है, और यहाँ पे बाकी 4 जो पोजीशन से वहां पे कॉलम स्टोर है। टोटल कितने हो गए, टोटल यहाँ पे हो गए 5 कॉलम्स, ठीक है। तो ऐसे इसी वजह से मैंने वहां पे 5 कॉलम स्टोर करवाए थे। और यहाँ पे आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है
जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है, तो यहाँ पे मेरे को क्वेश्चंस भी स्टोर करवाने हैं, यहाँ पे मेरे को आंसर्स भी स्टोर करवाने हैं। तो इसको सपोज मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लाके आपको इसको पेस्ट कर देना है, तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं और जितने भी आपके आंसर्स हैं वो सब यहाँ पे आपके आके यहाँ पे स्टोर हो चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ये सभी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस के जस्ट नीचे ये सभी आपके यहाँ पे आंसर्स हैं। ठीक है, अगर आपको मैं नीचे लेके जाऊँ तो ये सभी आपके यहाँ पे आंसर्स हैं, बिल्कुल ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे मेरे को यहाँ पे एक जे रेडियो बटन बनाना है। आपने अगर वहां पे देखा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे मेरे पास, मल्टीपल चॉइस मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो बता रहा हूँ वहां पे मेरे पास बहुत सारे आंसर्स थे। ठीक है, वहां पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे जिसमें से मैं सिर्फ एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये काम हम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये काम आप यहाँ पे उसको रेडियो बटन बोलते हैं, जो वहाँ पे एक राउंड शेप में जो बटन आता है आपके पास उसको रेडियो बटन यहाँ पे बोला जाता है। तो मैं आपको कुछ नहीं करना, बस रेडियो बटन का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है। मैंने यहाँ पे जे रेडियो बटन का सपोज एक ऑब्जेक्ट बनाया और जो भी आप यहाँ पे इसके अंदर लिख के पास करोगे वो वहाँ पे एज इट इज लिख के वो वहाँ पे एज इट इज जो राउंड बटन है उसके साथ लिखा हुआ आएगा। तो मैंने सपोज यहाँ पे ये लिखा, आपको यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, यहाँ से इसको सपोज मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, ये एरर क्यों दे रहा है यहाँ पे, सपोज मैं न्यू यहाँ पे शायद मैं न्यू लगाना भूल गया। हाँ ठीक है, यहाँ पे इसको मेरे को सेट बाउंस करना है, कहाँ पे मेरे को इसको दिखाना है वो मेरे को बताना पड़ेगा। तो सपोज मैं इसको लेफ्ट से 120, ऊपर से सपोज 520, इसकी खुद की विथ सपोज 700 एंड यहाँ पे मैंने सपोज इसको लिया 30 और ऐड करते हैं OPT1 को चला के। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो क्वेश्चन के जस्ट नीचे मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे देखो OPTION 1 यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर मेरे को यहाँ पे व्हाइट करना है, ये कोई बैकग्राउंड कलर यहाँ पे उठा रहा है जो कि यहाँ पे इसका डिफॉल्ट कलर होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज कलर डॉट व्हाइट। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे चेंज हो चुका होगा, आप यहाँ पे देखो वो चेंज हो चुका है। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को एक काम और करना है कि जो यहाँ पे इसका जो फॉन्ट टाइप है और जो फॉन्ट कलर है मेरे को यहाँ पे उसको चेंज करना है। फॉन्ट कलर तो नहीं, फॉन्ट कलर तो ठीक है बट लेकिन इसका वो चेंज करना है मेरे को। तो मैंने यहाँ पे न्यू करके मैंने यहाँ पे फोन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और ये तीन आर्ग्यूमेंट लेता है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सपोज मैं यहाँ पे डायलॉग डाल रहा हूँ, फोन फैमिली डायलॉग, और जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो मैं डाल रहा हूँ सपोज फोन डॉट प्लेन। ठीक है, थर्ड आर्ग्यूमेंट सपोज मैं यहाँ पे फोन साइज है वो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 20। ये क्या हुआ यहाँ पे, इसमें मेरे को इसको हटाना पड़ेगा। नाइस, चला गया। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बिल्कुल मस्त चलेगा, आप यहाँ पे देखो OPTION 1 यहाँ पे बड़ा बड़ा आया है, बहुत सही। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे चार चीजें चाहिए। तो यहाँ पे सपोज OPTION 1 के बाद ये आपका हो जाएगा यहाँ पे OPTION 2 और यहाँ पे सपोज OPTION 2 आ जाएगा, ठीक है, और OPTION 2 के बाद ये आपका हो जाएगा यहाँ पे OPTION 3, OPTION 3 के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा आपका OPTION 3, बहुत सही, और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा यहाँ पे OPTION 4 एंड ये आपका हो जाएगा यहाँ पे OPTION 4, बहुत बढ़िया। लेकिन अब मेरे को यहाँ पे इसको भी चेंज करना है, ये यहाँ पे 520 है, 66 40 40 का मैं यहाँ पे गैप डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 560 और यहाँ पे आ जाएगा 640 के गैप के साथ ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 640। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो चारों ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं, बहुत सही, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये यह है, अगर आप यहाँ पे देखो तो चारों में से आप यहाँ पे चारों ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन बटन्स को मेरे को यहाँ पे ग्रुप करना पड़ेगा। तो बटन्स को ग्रुप करने के लिए आपको बस एक काम करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको बटन ग्रुप क्लास का आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। बटन ग्रुप क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप यहाँ पे जो बटन ग्रुप है उसको यहाँ आपके जितने भी यहाँ पे बटन्स हैं, जितने भी रेडियो बटन्स हैं, उन सबको आप यहाँ पे ग्रुप कर सकते हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे ग्रुप लिखा और ग्रुप ऑप्शंस के नाम से इज इक्वल्स टू न्यू और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बटन ग्रुप, बहुत सही, ठीक है। और ग्रुप ऑप्शंस को सपोज यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपको इनको ऐड करना है, मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जितने भी आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं उन सबको आप यहाँ पे आपस में ग्रुप कर रहे हो, ताकि जब एक क्वेश्चन को आप यहाँ पे सिलेक्ट करो तो बाकी जितने भी आपके ऑप्शन हैं, जब जैसे ही आप यहाँ पे एक ऑप्शन को सिलेक्ट करो तो बाकी जितने भी आपके यहाँ पे ऑप्शन हैं वो सब यहाँ पे अपने आप वो सब यहाँ पे डिसलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ बिल्कुल मस्त चलेगा, आप यहाँ पे देखो यहाँ पे ना इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया वाला डिसलेक्ट हो गया, इसको सिलेक्ट किया ऊपर वाला डिसलेक्ट हो गया, इसको सिलेक्ट किया ऊपर वाला डिसलेक्ट हो गया, बहुत सही सही चल रहा है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, इसके जस्ट बराबर में मेरे को यहाँ पे कुछ बटन बनाने हैं, ठीक है। बटन हम पीछे बना चुके हैं तो आपको बताया कि बटन हम कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जे बटन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और मेरे को यहाँ पे 3 बटन चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे जे बटन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, मेरे को यहाँ पे 3 बटन चाहिए। पहला जो मेरा बटन होगा वो यहाँ पे होगा नेक्स्ट के नाम से इक्वल्स टू न्यू जे बटन, ठीक है, और पहला जो मेरा यहाँ पे बटन है वो यहाँ पे नेक्स्ट के नाम से है और नेक्स्ट डॉट सेट बाउंस मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा। सेट बाउंस करके आप यहाँ पे जो
सपोज 1100 मैंने यहाँ पे इसको सेट किया, 1100 ऊपर से कितना चाहिए 550, ठीक है। लेंथ कितनी होनी चाहिए 200 एंड विथ कितनी होनी चाहिए सपोज 40, और ऐड करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन को, बहुत बिल्कुल सही है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे आपके पास एक बटन आएगा, आप यहाँ पे देखो बटन यहाँ पे मेरे पास आ चुका है, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे इसके बैकग्राउंड कलर को, इसके फोरग्राउंड कलर को मेरे को सब कुछ चेंज चेंज करना है। सबसे पहले तो फॉन्ट को चेंज चेंज करते हैं यहाँ पे, तो इसको तो न्यू फॉन्ट मैंने यहाँ पे डाला। फॉन्ट आप कौन सा डालोगे, तहोमा सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप कोई भी यहाँ पे फॉन्ट डाल सकते हैं, वैसे कोई वो नहीं है कि आपको यही डालना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फॉन्ट डॉट प्लेन लिखा, फॉन्ट डॉट प्लेन फॉन्ट टाइप आ गया यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट साइज डालना है, जो यहाँ पे मैं सपोज डाल रहा हूँ 22। उसके बाद यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है आप यहाँ पे उसको भी चेंज कर सकते हो, उसके लिए आप यहाँ पे फंक्शन यूज कर सकते हो सेट बैकग्राउंड। और यहाँ पे आरजीबी में अगर आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी है तो आपको कलर क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और उसके बाद आप यहाँ पे आरजीबी में यहाँ पे जो वैल्यूज है आप यहाँ पे वो डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे फोरग्राउंड कलर में यहाँ पे चेंज चेंज कर रहा हूँ, इसमें भी आप यहाँ पे कलर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, या फिर कलर कलर की हेल्प से आप यहाँ पे जो सिंपल जो जो भी आपको कलर डालना है वो आप यहाँ से डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर इसको दिया, यहाँ यहाँ पे देखो ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे दो बटन्स मेरे को यहाँ पे और चाहिए, तो इसको सपोज मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया। सेकेंड जो मेरा बटन है वो यहाँ पे है लाइफ लाइन के नाम से, ठीक है। अरे और यहाँ पे सपोज लाइफ लाइन के नाम से मेरे पास यहाँ पे ये वाला बटन है, तो नेक्स्ट को मेरे को यहाँ पे रिप्लेस करना है आपका लाइफ लाइन के नाम से, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे है सपोज 50-50 लाइफ लाइन, बिल्कुल सही है, 50-50 लाइफ लाइन यहाँ पे आ चुका है। और मेरे को यहाँ पे इसका जो 550 है मेरे को यहाँ पे बस इसको चेंज चेंज करना है। कहाँ पर आप चाहते हो इसको, 80 का मैं सपोज गैप डाल रहा हूँ, तो 630 दिया मैंने, और यहाँ पे भी मेरे को 80 का गैप चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा सपोज 710, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो बटन है वो सबमिट बटन होगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज सबमिट, एंड इसको यहाँ से सपोज कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, नेक्स्ट की जगह मैंने यहाँ पे सबमिट लिखा, एंड बिल्कुल ठीक है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बिल्कुल मस्त चलेगा। तो आप यहाँ पे देखो तीनों बटन मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है, तो परफेक्ट है। और यहाँ पे लेकिन ये वाला जो इनिशियली ये वाला जो बटन होगा वो डिसेबल्ड होगा, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, सबमिट डॉट सेट अनेबल्ड, हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है सेट अनेबल्ड, और इसमें अगर आप यहाँ पे पास करोगे फॉल्स, इसमें मैं अगर यहाँ पे फॉल्स पास करता हूँ तो ये वाला जो आपका बटन है ये यहाँ पे डिसेबल्ड हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो सबमिट बटन आपका यहाँ पे इस केस में डिसेबल्ड हो चुका है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मेरे को टाइमर बनाना है, ठीक है, टाइमर बनाना है यहाँ पे मेरे को, वो बना लेते हैं उस। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, मैंने यहाँ पे वैल्यूज को हार्ड कोड किया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ तो यहाँ पे 1 यहाँ पे हार्ड कोडेड है, दिस इज अ क्वेश्चन, ये सब यहाँ पे हार्ड कोडेड है, बट ये सब यहाँ पे हार्ड कोडेड नहीं होना चाहिए। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ कि ये सब जो जितनी वैल्यूज मैंने यहाँ पे हार्ड कोड की हुई है उस सबको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन में से मैंने यहाँ पे जितनी वैल्यूज हैं वो सब हटा दिया। मेरे को यहाँ पे ऑप्शन भी हार्ड कोड नहीं करने, तो ऑप्शन को भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जितनी ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे डाला था कि वो स्क्रीन पे कुछ दिखना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल प्लेन आएगा। आप यहाँ पे देखो बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है, यहाँ पे मैं सपोज एक फंक्शन बना रहा हूँ जो यहाँ पे वैल्यूज को इंसर्ट करेगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टार्ट के नाम से एक फंक्शन बनाया, ठीक है, स्टार्ट के नाम से यहाँ पे मेरे को एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। जैसे कि क्विज आपका यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसकी इनिशियल वैल्यू मेरे को यहाँ पे डालनी पड़ेगी। इनिशियल वैल्यू मैं सपोज यहाँ पे डाल रहा हूँ 0, ठीक है, कि जो क्वेश्चन नंबर है, क्योंकि मेरे को आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर को भी ट्रैक करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे उसमें 0 डाला, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जो स्टार्ट फंक्शन है उसको आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा पब्लिक वॉइड और स्टार्ट, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा इंट काउंट, कि आपका यहाँ पे काउंट आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट के नाम से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया। अब मेरे को जितने भी यहाँ पे ये सब लेबल्स हैं इनको मेरे को ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या चीज़ है, अभी यहाँ पे इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर सब कुछ लोकली डिक्लेयर्ड है, ठीक है, बाहर स्टार्ट फंक्शन में उनका स्कोप ही नहीं है। तो मेरे को यहाँ पे एक काम करना है कि जितने भी आपके ये सब फंक्शंस हैं, जितने भी आपके ये सब यहाँ पे लेबल्स हैं, इनको आपको यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे जे लेबल को, जे लेबल क्वेश्चन नंबर को मैंने यहाँ पे आपका ग्लोबली डिक्लेयर किया। अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड दे दो बस, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर को मैंने यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर किया, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन को भी ग्लोबली डिक्लेयर करना है। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर किया, और आपको यहाँ से लोकल डिक्लेरेशन जो है यहाँ से उनको हटा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक काम और करना है कि जितने भी आपके रेडियो बटन हैं, क्योंकि उसमें भी मेरे को वैल्यूज को डायनेमिकली इंसर्ट करना है, जितने भी आपके वहाँ पे ऑप्शन होंगे, तो OPT1, OPT2
OPT3 एंड OPT4, इनको मेरे को यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो जितनी भी आपकी लोकल डेक्लेरेशन है उनको आपको हटाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है लोकल डेक्लेरेशन को हटाना, वरना वो क्या करेगा, ये ग्लोबल अगर आपने लोकल डेक्लेरेशन नहीं हटाई तो वो ग्लोबल डेक्लेरेशन की तरफ पॉइंट ही नहीं करेगा। तो उसको ग्लोबल डेक्लेरेशन की तरफ पॉइंट करवाने के लिए आपको यहाँ पे जो लोकल डेक्लेरेशन है उनको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास सभी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका एक्सेस है, जैसे क्वेश्चन नंबर का मेरे पास यहाँ पे एक्सेस है, तो मैं यहाँ पे सेट टेक्स कर सकता हूँ। तो सेट टेक्स में आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंपल काउंट प्लस वन, ठीक है, कि काउंट की इनिशियल वैल्यू आप यहाँ पे देखो जीरो आ रही है, जीरो में मैंने यहाँ पे प्लस वन कर दिया, तो आपका जो इनिशियल फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो प्लस वन आएगी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो क्वेश्चन नंबर है उसके अंदर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक लेबल है, और लेबल के अंदर आप यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यूज है उनको पास नहीं कर सकते, इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग्स पास कर सकते हो। तो इंटीजर को मेरे को यहाँ पे स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे ये लगाना है, जो आपके पास यहाँ पे डबल कोट्स होते हैं, आप यहाँ पे अगर ये लगा दोगे तो ये जावा में बहुत ईजिली आप किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी एक इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लगाया, इसके बाद यहाँ पे एक काम और करते हैं, और यहाँ पे सपोज मैंने डॉट भी लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे डॉट लगा के स्पेस डाला, तो आपको अगर अब मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा, तो अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 0 1 आया है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल 0 1 आया है, और यहाँ पे आपके पास डॉट भी आया है, तो जो वैल्यूज है वो यहाँ पे डायनेमिकली सेट हो रही है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर मेरे को यहाँ पे वैल्यूज को सेट करना है, तो यहाँ पे आप सेट टेक्स फंक्शन का यूज कर सकते हो। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि आप सेट टेक्स फंक्शन, गेट टेक्स फंक्शन का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन में अगर आपको वैल्यूज को सेट करना है, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन से एक एरे है जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे सभी क्वेश्चंस हैं, ये वो एरे है क्वेश्चंस के नाम से, और इसकी फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है, जो आपका यहाँ पे काउंट है, काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये 0th पोजीशन के 0th कॉलम से वैल्यू उठाएगा, ठीक है, रो यहाँ पे 0th है, ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम के, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से वैल्यू उठाएगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे लेके जाओ, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपका आना चाहिए। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, कुछ एरर है यहाँ पे, एक सेकंड, मैंने शायद सेमी कॉलन नहीं लगाया, हाँ सेमी कॉलन नहीं लगाया मैंने, इसको यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के इसको क्लोज करते हैं। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देखो जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ चुका है। सेम काम मेरे को यहाँ पे करना है आपके उनके साथ, क्या बोलते हैं जो आपके यहाँ पे वो है ऑप्शंस है, जो आपके यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे उनके साथ भी बिल्कुल सेम काम करना है। तो आपको यहाँ पे OPT1 लिखना है, डॉट सेट टेक्स फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे सपोज क्वेश्चंस, और यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ आपको यहाँ पे काउंट लिखना है, काउंट के साथ आपको यहाँ पे वन लिखना है, क्योंकि ये आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पे वन लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो JVM आ चुकी है, जो बिल्कुल परफेक्ट है। और सेम काम आपको यहाँ पे बाकी बाकियों के लिए भी करना है, तो यहाँ पे सपोज मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, ये आपका यहाँ पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, तो सभी क्वेश्चंस की सभी जो ऑप्शंस हैं वो सब यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ठीक है, और बिल्कुल मस्त चल रहा है ये। तो आप यहाँ पे देखो जो वैल्यूज है वो यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब अगर मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन की वैल्यूज दिखानी है, तो मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस सेट जो स्टार्ट फंक्शन है उसके अंदर मैं जो वैल्यूज है उनको इंक्रीमेंट करके अगर पास कर दूंगा, तो आपकी जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1+, यहाँ पे 1 1 आ रहा है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये एज अ स्ट्रिंग की तरह यहाँ पे ट्रीट हो रहा है, तो इसको कंकैटनेट कर रहा है। आपको यहाँ पे इसको रैप करना पड़ेगा एक पैरेंथेसिस के साथ, जिसकी वजह से ये यहाँ पे इसको एज अ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पे ट्रीट करेगा। तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 आ चुका है, ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे पास करोगे, सपोज मैंने यहाँ पे 6 पास किया, ठीक है, तो 6+1 7th क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए। आप यहाँ पे देखो यहाँ पे 7th क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो बिल्कुल मस्त चल रहा है। बट यहाँ पे इनिशियली मेरे को यहाँ पे 0 रखना है, तो मैंने यहाँ पे सपोज 0 लिखा। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, तो बिल्कुल मस्त चलेगा। आप यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ चुका है, तो ये तो बिल्कुल ठीक ठीक चल रहा है। अब यहाँ पे मेरे को एक काम और करना है, अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ, तो यहाँ पे मेरे को इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे टाइमर बनाना है, ठीक है, तो वो टाइमर के लिए मैं यहाँ पे ग्राफिक्स क्लास का यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है कि टाइमर की जो वैल्यू है वो मेरे को हर सेकंड चेंज करनी है। जैसे 15 सेकंड से वो स्टार्ट होगा, तो 15 के बाद 1 सेकंड बाद 14, फिर 1 सेकंड बाद 13, फिर 1 सेकंड बाद 12, तो वहाँ पे हम ग्राफिक्स क्लास की हेल्प से उसको बार बार रीपेंट कर सकते हैं। मतलब फ्रेम को मैं यहाँ पे बार बार रीपेंट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आपको फ्रेम के ऊपर कुछ भी अपडेट करना है, तो आपको फ्रेम को वापस से रीपेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं पेंट मेथड का, ठीक है, पेंट मेथड का यूज करके हम यहाँ पे बार बार जो अपने जो
अपना जो फ्रेम है उसको यहाँ पे हम रीपेंट कर सकते हैं। यहाँ पे पेंट क्लास का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट लेता है ग्राफिक्स क्लास का। तो ग्राफिक्स क्लास मैंने यहाँ पे जी के नाम से मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, और सबसे पहले आपको यहाँ पे जो जो आपकी सुपर क्लास के अंदर जो पेंट मेथड होता है यहाँ पे उसको कॉल करना होता है। उसके अंदर यहाँ पे हम पास करते हैं ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे सुपर की हेल्प से मैंने यहाँ पे पेंट मेथड को कॉल किया जो कि यहाँ पे इसकी सुपर क्लास में है। अब यहाँ पे मेरे को यहाँ पे टाइमर बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैं सपोज एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, और फिर उस स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवा दूंगा फ्रेम के ऊपर। तो ये मैंने सपोज यहाँ पे लिखा टाइम लेफ्ट, ये कितना आपके पास यहाँ पे टाइम लेफ्ट है प्लस, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टाइमर। ये टाइमर कहाँ से आएगा, टाइमर टाइमर को मैं यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। टाइमर की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। सपोज आप यहाँ पे ऊपर आए, और यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सपोज पब्लिक, और एक स्टैटिक मेथड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ स्टैटिक को, और सपोज इंट ले लेते हैं, वॉइड के लिख रहा हूँ यहाँ पे इंट टाइमर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू मैं इसके ले रहा हूँ सपोज 15। आपको अगर टाइमर थोड़ा सा बढ़ाना है, 15 सेकंड आपको अगर टाइम कम लग रहा है तो आप यहाँ पे टाइम बढ़ा भी सकते हो, इस 15 सेकंड को आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, तो यहाँ पे टाइमर को मैंने यहाँ पे डाला। अब टाइमर के बाद यहाँ पे मेरे को कुछ और चीजें कंकेटनेट करनी है, जैसे सपोज कितने सेकंड्स यहाँ पे रह चुके हैं, जैसे 15 सेकंड्स लेफ्ट, तो यहाँ पे टाइम लेफ्ट, ठीक है, टाइम लेफ्ट, और यहाँ पे सपोज एक डैश लगाया मैंने, उसके बाद 15 सेकंड्स, और फिर यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है। तो इनिशियली ये वैल्यू यहाँ पे 15 होगी, उसके बाद यहाँ पे मेरे को इस वैल्यू को डिक्रीज करना है, ठीक है। सबसे पहले तो इस पर अब अभी आते हैं, कोई कोई बात नहीं, जब उसको वहाँ पे मैं डिस्प्ले करवाऊंगा उसके बाद यहाँ पे इसको देखते हैं। अभी के लिए मेरे को यहाँ पे एक काम करना है कि ये जो आपका यहाँ पे जो भी आपने ये सब लिखा हुआ है, ये आपका ग्राफिक्स है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ग्राफिक है जिसको आप वहाँ पे फ्रेम के ऊपर दिखाना चाहते हो। तो अगर आपको इसके उसको चेंज करना है, इसके उसको से मेरा क्या मतलब है, इसके अगर आपको टेक्स्ट कलर को चेंज करना है, तो अब आपको यहाँ पे ग्राफिक्स क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं सपोज यहाँ पे सेट कलर क्लास का मैंने यहाँ पे यूज किया, और सेट कलर के बाद मैं यहाँ पे सपोज रेड कलर में मैं यहाँ वहाँ पे उसको दिखा रहा था, तो मैंने यहाँ पे उसको रेड कलर में डाला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अगर जो टाइमर है उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है, ठीक है, अगर टाइमर की वैल्यू आपके यहाँ पे 0 से ग्रेटर है, तो मेरे को यहाँ पे जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग की हेल्प से आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि आपको कौन सी स्ट्रिंग को कहाँ पे दिखाना है। जैसे यहाँ पे जो सेकंड फंक्शन है उसको आप अगर देखो, कौन सी स्ट्रिंग आपको दिखानी है, एक्स एक्सिस से कहाँ पे दिखानी है, वाई एक्सिस से कहाँ पे दिखानी है, तो हम यहाँ पे सेकंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो स्ट्रिंग का नाम है वो मेरे यहाँ पे टाइम है, ठीक है। विथ कहाँ पे मेरे को इसको दिखाना है, 1100 पे मेरे को यहाँ पे इसको दिखाना है। कितनी विथ होनी चाहिए इसकी, विथ यहाँ पे होनी चाहिए 500। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देखो कि मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग आनी चाहिए। अरे क्या हुआ, इसको आया क्यों नहीं कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ पे पेंट आएगा, पेन नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा पेंट मेथड। पेंट मेथड अपने आप कॉल होता है, जैसे आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, पेंट मेथड आपका अपने आप कॉल हो जाता है। तो पेंट मेथड कहीं कहीं से हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप यहाँ पे कॉल हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखो टाइम लेफ्ट 15 सेकंड्स, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपके पास टाइम लेफ्ट 15 सेकंड्स, और ये यहाँ पे आपका रेड कलर में भी आया, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको रेड रेड कलर में डाला हुआ था। अगर मैं सपोज इसको कमेंट करके यहाँ पे फिर से दिखाऊंगा, तो आप यहाँ पे देखो ये ब्लैक कलर में, लेकिन ये काफी छोटा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये जो ये रेड कलर मैंने यहाँ पे इसको अनकमेंट करते हैं। यहाँ पे मेरे को इसके फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर उसको चेंज करना है, मैंने यहाँ पे सेट फॉन्ट फंक्शन का यूज करके मैंने यहाँ पे फॉन्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने सपोज यहाँ पे तोहमा लिखा और फॉन्ट डॉट बोल्ड आ गया, और यहाँ पे सपोज मैंने फॉन्ट साइज दिया इसके 25। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो आपके पास जो टेक्स्ट है वो काफी बड़ा बड़ा आएगा। आप यहाँ पे देखो टाइम लेफ्ट 15 सेकंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे 15 सेकंड्स है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे टाइमर को माइनस माइनस करना है, कि आपका जो यहाँ पे टाइमर है उसकी वैल्यू यहाँ पे माइनस माइनस हो जाए इस केस में, ठीक है। माइनस माइनस होने के बाद अब यहाँ पे अगर इनिशियली वो वैल्यू 14 है, तो यहाँ पे वो वैल्यू कितनी रह जाएगी, यहाँ पे वो वैल्यू रह जाएगी आपकी 14, ठीक है, यहाँ पे वो वैल्यू आपकी 14 रह जाएगी। बट 1 सेकंड बाद मेरे को यहाँ पे जो वैल्यू आपकी माइनस करनी है, वो 1 सेकंड बाद करनी है फिर से। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा, अभी ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आप यहाँ पे देखो 15 का 15 ही है यहाँ पे, क्योंकि पेंट मेथड आपका दोबारा से कॉल नहीं हुआ। मैंने आपको क्या बोला कि पेंट मेथड यहाँ पे सिर्फ आपका एक बार कॉल होता है, जब आप क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हो। अगर आपको इसको दोबारा से कॉल करना है, तो आपको यहाँ पे रीपेंट मेथड को कॉल करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे रीपेंट मेथड को कॉल करना है 1 सेकंड बाद। तो मेरे को आपका जो मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन है, जो आपका कोड ऑफ एग्जीक्यूशन है, उसको मेरे को 1 सेकंड के लिए यहाँ पे रोकना पड़ेगा, ठीक है। कोड ऑफ एग्जीक्यूशन को मेरे को यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रोकना पड़ेगा। वो हम रोक सकते हैं थ्रेड क्लास की हेल्प से। मल्टी थ्रेडिंग की एक क्लास होती है थ्रेड क्लास, उसके अंदर एक मेथड होता है स्लीप मेथड। आप यहाँ पे उसकी हेल्प से
जो आपका जो कोड ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको आप यहाँ पे 1 सेकंड के लिए या जितना मर्जी आप यहाँ पे चाहो उतने सेकंड्स के लिए आप यहाँ पे इसको रोक सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू लेता है मिली सेकंड में, तो आपको यहाँ पे मिली सेकंड में वैल्यू पास करनी पड़ेगी। 1 सेकंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकंड, तो आपको यहाँ पे 1000 पास करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको आपको ट्राई और कैच से यहाँ पे एनक्लोज करना होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आने के आपके चांसेस होते हैं। मैंने सपोज यहाँ पे ट्राई और कैच से इसको यहाँ पे रैप किया, और यहाँ पे मैंने जो आपका एरर है उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट भी करवा लिया, जो कि यहाँ पे ई डॉट इंस्टेक्ट वेस, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब भी अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा, अब भी आपका यहाँ पे 15 सेकंड्स का 15 सेकंड्स ही रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे रिपेंट मेथड को कॉल करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सपोज रिपेंट मेथड को कॉल कॉल किया, जो 1 1 सेकंड बाद आपकी जो वैल्यूज है उसको यहाँ पे घटाता रहेगा। आप यहाँ पे देखो 15 के बाद यहाँ पे 14 आ चुका है, 13 12, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो फ्रेम है वो यहाँ पे रिपेंट हो रहा है। ग्राफिक्स क्लास की हेल्प से आप यहाँ पे अपने फ्रेम को रिपेंट कर रहे हो। रिपेंट मेथड को आपने यहाँ पे कॉल किया, जो पेंट मेथड को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका टाइम लेफ्ट है वो यहाँ पे इस टाइम पे खत्म हो चुका है। अगर यहाँ पे टाइम आपका खत्म हो चुका है, तो मेरे को यहाँ पे 1 सेकंड के लिए ये दिखाना है कि आपका जो यहाँ पे टाइम सब है वो यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग में यहाँ पे लिख सकता हूँ, और जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग करके आप यहाँ पे सिंपल जो जो आपकी ये है जो आपकी यहाँ पे टाइमर है उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल टाइम्स अप, ठीक है। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो 15 सेकंड्स है यहाँ पे, ये बिल्कुल यहाँ पे 0 तक जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे 0 के इक्वल होगा, 1 से जैसे ही यहाँ पे नीचे जाएगा टाइमर, आपके पास यहाँ पे टाइम्स अप लिखा आएगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे इस केस में आपका टाइम्स अप लिखा आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है, यहाँ पे मेरे को अब जैसे ही यहाँ पे टाइम्स अप होगा वैसे ही मेरे को इसको नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप दिखाना है। अगर मैं सपोज यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक नहीं किया और यहाँ पे सपोज टाइम्स अप हो गया, तो मेरे को जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इस केस में मेरे को यहाँ पे वो दिखाना है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक फ्लैग को मेंटेन करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे एक फ्लैग मेंटेन करना करना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक इंट, और ये भी यहाँ पे इंट होगा, एक फ्लैग होगा यहाँ पे जो जो होगा यहाँ पे आंसर गिवन के नाम से, आंसर गिवन के नाम से, और इसकी इनिशियल वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज 0, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसकी इनिशियल वैल्यू सपोज 0 ली, और यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि क्या बंदा आंसर कर चुका है या नहीं कर चुका। आंसर करने से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है कि क्या उसने इसको यहाँ पे जो यहाँ पे आपके पास ये है, ठीक है, जो जो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है उसको उस बंदे ने सिलेक्ट किया है या नहीं किया, मैं यहाँ पे इसको चेक करूंगा, ठीक है। अगर बंदे ने यहाँ पे आंसर किया है तो मेरे को यहाँ पे एकदम से उसको नेक्स्ट में लेके जाना है, मेरे को यहाँ पे एकदम से नेक्स्ट क्वेश्चन खोल देना है। बट अगर बंदे ने आंसर नहीं किया, ठीक है, तो और टाइमर आपका 0 से नीचे जा चुका है, तो उस केस में मेरे को उसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे उस केस में भी खोलना है। तो आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इफ अगर आंसर गिवन की वैल्यू आपकी यहाँ पे डबल इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, मतलब बंदा आंसर यहाँ पे कर चुका है, उस केस में मेरे को यहाँ पे क्या करना है, आंसर गिवन को मेरे को यहाँ पे 0 सेट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे बंदा आंसर कर चुका है, तो मैंने यहाँ पे इसको, तो ये आंसर गिवन की वैल्यू उस केस में यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्रैक करने के लिए फ्लैग को वापस से मेरे को यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, और टाइमर को मेरे को वापस से 15 सेट करना पड़ेगा, ठीक है, टाइमर को मेरे को वापस से 15 सेट करना पड़ेगा अगर बंदा आंसर कर चुका है। ये कैसे ट्रैक होगा बंदा आंसर किया है या नहीं किया वो देखेंगे अभी, बट अगर सपोज बंदे ने आंसर नहीं किया, एल्स इफ अगर बंदे ने आंसर नहीं किया और टाइमर आपका यहाँ पे लेस देन 0 हो चुका है, तो उस केस में मेरे को यहाँ पे अपने आप से नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना है। तो उस केस में मेरे को यहाँ पे टाइमर को 15 सेट करना पड़ेगा। टाइमर को 15 सेट करने के बाद अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि बंदे ने आंसर दिया है या नहीं दिया, ठीक है। 15 सेकंड पूरा होने से पहले बंदे ने आंसर क्वेश्चन का आंसर किया है या नहीं किया, मेरे को यहाँ पे ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो बंदे ने आंसर किया है नहीं किया इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो बटन ग्रुप क्लास का, ठीक है, जो ग्रुप ऑप्शन है यहाँ पे, आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो, और इसकी हेल्प से आप यहाँ पे पता लगा सकते हो कि बंदे ने आंसर किया है या नहीं किया। जैसे अगर आपका ग्रुप ऑप्शन डॉट गेट सिलेक्शन, ये वो आपको उठा के देगा जो भी अगर आपका सिलेक्ट हुआ है, बट अगर कोई भी आपने सिलेक्ट नहीं किया तो इसकी वैल्यू आपकी नल रहेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप ऑप्शंस डाला, बट ये यहाँ पे ये लोकली डिक्लेयर्ड है, तो आपको यहाँ पे इसको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैंने सपोज यहाँ पे इसको हटाया, लोकल डिक्लेरेशन मैंने यहाँ से इसकी हटाई, और यहाँ पे मैंने लाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर किया, ठीक है। तो 1 सेकेंड इसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर देते हैं, बढ़िया, ठीक है, मस्त। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप ऑप्शंस को मैंने यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर किया, और मैं नीचे यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि क्या चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन यूजर ने सिलेक्ट किया है या नहीं किया। अगर यूजर ने सिलेक्ट नहीं किया
ठीक है, तो ठीक है, बट अगर यूजर ने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, अगर चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे यूजर ने सेलेक्ट किया है, तो क्या ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है, मेरे को यहाँ पे अब उसको ट्रैक करना है। तो जो भी आपके यूजर के आंसर्स हैं, अब मेरे को यहाँ पे उनको ट्रैक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक अलग से एरे बनाना पड़ेगा। तो मैं सपोज यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के साथ सपोज मैंने यहाँ पे लिखा यूजर आंसर्स, कि आपके यूजर के जो यहाँ पे आंसर्स है, मेरे को यहाँ पे उनको ट्रैक करना है। तो सपोज ये भी मैंने यहाँ पे एक 2D एरे बनाया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका न्यू स्ट्रिंग, और 10, ठीक है, 10 क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक यूजर का यहाँ पे आंसर होगा, तो मैंने यहाँ पे 10-1 लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आपको नीचे आना है, और यहाँ पर आपको लिखना है सपोज यूजर आंसर्स, और कहाँ पे यूजर आंसर्स के सपोज 0 के 0 पोजिशन पे यहाँ पे मैंने डाला एम्प्टी स्ट्रिंग, कि यूजर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसने यहाँ पे एम्प्टी छोड़ा हुआ है, बट मैं यहाँ पे इसको हार्ड कोड नहीं कर सकता। आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा हुआ है, ये इसको मैं हार्ड कोड नहीं कर सकता यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक, और स्टैटिक एंड एंड काउंट, इसकी मैं इनिशियल वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज 0। ठीक है, मैंने यहाँ पे 0 लिया, और आप अगर एक चीज देखो तो एक जगह मैंने और यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है, मैंने यहाँ पे स्टार्ट के अंदर मैंने यहाँ पे 0 पास किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको 0 पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप काउंट भी पास कर सकते हो, क्योंकि काउंट की यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 0 ही है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पासिंग डायरेक्टली 0, आप यहाँ पे काउंट पास कर सकते हो। काउंट पास करने के बाद अब आप यहाँ पे आ सकते हो, और यहाँ पे कहाँ गया वो, ये रहा। अब यहाँ पे आपको सीधा आप यहाँ पे काउंट पास कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे बंदे ने आंसर किया है, तो आपको यहाँ पे अब वो आंसर यहाँ पे स्टोर करवाना पड़ेगा यूजर आंसर्स के अंदर। ठीक है, जो भी यहाँ पे बंदे ने आंसर किया है, आपको यहाँ पे वाला आंसर यहाँ पे स्टोर करवाना पड़ेगा। तो जो आपका ग्रुप ऑप्शंस है, ठीक है, ग्रुप ऑप्शंस, इसके अंदर से आप यहाँ पे वाली वैल्यू निकाल सकते हो। गेट सिलेक्शन, हमारे पास यहाँ पे गेट सिलेक्शन एक फंक्शन होता है, ये आपको वो निकाल के देगा, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो आपका ऑप्शन सिलेक्टेड है वो यहाँ पे वो निकाल के देगा, लेकिन उसकी वैल्यू आपको चाहिए, वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि होता है गेट एक्शन कमांड। ठीक है, ग्रुप ऑप्शन से आपके पास यहाँ पे चारों ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है गेट सिलेक्शन मेथड का यूज करके आपने चारों ऑप्शन में से वाला ऑप्शन यहाँ पे निकाला, जो भी यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है उस ऑप्शन की क्या वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी, और उसको आपने यहाँ पे स्टोर करवा दिया इसके अंदर। ठीक है, यूजर आंसर्स के अंदर, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो, तो अब यहाँ पे जब ये सब निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो आप यहाँ पे सभी ऑप्शंस को निकाल लोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, काउंट प्लस प्लस जैसे आप यहाँ पे करोगे, उसके बाद काउंट प्लस प्लस करने के बाद जैसे यहाँ पे इनिशियल वैल्यू यहाँ पे इसकी क्या है, 0 है, काउंट की यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 0 है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप यहाँ पे इसको प्लस प्लस करोगे, नहीं, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तब तक नहीं देखोगे जब तक आप यहाँ पे स्टार्ट फंक्शन को कॉल नहीं करोगे, क्योंकि स्टार्ट फंक्शन के अंदर ही हम यहाँ पे काउंट ले रहे हैं, और इस स्टार्ट फंक्शन के अंदर ही हम यहाँ पे काउंट के बेसिस पे जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन है और जो आपके ऑप्शन है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे काउंट को पास किया, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। यहाँ पे अभी इनिशियली यहाँ पे टाइम आपका 15 सेकेंड्स है। ठीक है, 15 सेकेंड्स के बाद आप यहाँ पे देखोगे, जैसे यहाँ पे 15 सेकेंड्स आपके खत्म हो गए, यहाँ पे लिखा आएगा टाइम्स अप। टाइम्स अप के बाद एकदम से यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, और टाइम आपका वापस से 15 सेकेंड से स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो, आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, और टाइम आपका वापस से यहाँ पे 15 सेकेंड से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आपने यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया था, तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जब कोई भी ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्टेड नहीं था, तो अब इस केस में यहाँ पे एम्प्टी आना चाहिए, मतलब यहाँ पे इस केस में एम्प्टी यहाँ पे स्टोर होगा। बट अगर आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सपोज सेलेक्ट करते हो, तो उस केस में यहाँ पे वो यहाँ पर आएगा, जो ऑप्शन की वैल्यू है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेगा इसके अंदर। बट यहाँ पे अब अगर आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अगर सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे आपने अगर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किया है सपोज, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई भी ऑप्शन सपोज सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो उस पर आपको एक एक्शन लगाना पड़ेगा, कि वहां पे आपने वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो उस पे वो एक सेलेक्ट वहां पे एक एक्शन होगा जो आपको वहां पे लगाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक फंक्शन का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे गेट एक्शन कमांड करके वैल्यू निकाल रहे हो, बट आपको पहले वैल्यू को सेट भी तो करना पड़ेगा, कौन सी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा opt1.setAction कमांड। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने गेट एक्शन कमांड लिखा है, गेट एक्शन कमांड करके आप यहाँ पे वैल्यूज को निकाल सकते हो, बट आपको वैल्यू को पहले सेट भी तो करना पड़ेगा।
तो हम वैल्यूज को यहाँ पे सेट कर सकते हैं गेट सेट एक्शन कमांड की हेल्प से, और यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग लेता है। तो क्वेश्चंस के अंदर जो यहाँ पे काउंट है उसका जो यहाँ पे फर्स्ट वो है, वहां से आप यहाँ पे इस ऑप्शन की वैल्यू को यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, ठीक है। और सपोज एक सेकेंड दे दो बस मेरे को, और यहाँ पे मैंने सपोज ये डाला और यहाँ पे आपका ये आ चुका है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे सपोज 2 लिखा मैंने, और यहाँ पे मैंने सपोज 3 लिखा, और यहाँ पे मैंने 4 लिखा, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सेट हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सेट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन सेट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर सपोज मैं आपको इसको चला के दिखाऊं ना, एक प्रॉब्लम यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। टाइमर आपके यहाँ पे 15 सेकंड से स्टार्ट हो चुका है। सपोज मैंने यहाँ पे जावा डीबगर को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, JDB, ठीक है, जावा डीबगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, टाइम अप हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आएंगे, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड है, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरे को आपका जो सिलेक्शन है उसको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे काम करना है, आपके यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन है उसमें आपको यहाँ पे एक फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, जो कि होता है यहाँ पे क्लियर सिलेक्शन। कि आप यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपने यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट किया, सपोज मैंने यहाँ पे JVM सिलेक्ट किया, JVM या JRE कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, JDK सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो अब आप जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है वो अपने आप यहाँ पे डिसलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चला के दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे डिसलेक्ट हो चुका है, तो बिल्कुल मस्त चल रहा है। वापस आते हैं, इसके बाद अब यहाँ पे एक चीज और है, अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊं, तो यहाँ पे अब तक हमने क्या देखा है कि अगर यहाँ पे 15 सेकंड्स का जो आपका टाइम है वो यहाँ पे पूरा हो जाता है, तो यहाँ पे अपने आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जो आपका पूरा नेक्स्ट क्वेश्चन का पूरा ताम झाम है वो सब यहाँ पर आपका डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखो टाइम अप हुआ और यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ चुका है। बट अब मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट बटन के क्लिक पर भी तो ये यहाँ पे नेक्स्ट बटन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट बटन के क्लिक पर काम है, तो यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट बटन पे एक इवेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो आपका एक फंक्शन मेरे को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे एक्शन लिस्टनर के नाम से, मैंने यहाँ पे एक्शन लिस्टनर जो आपका यहाँ पे फंक्शन है उसको मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया, ठीक है। यहाँ पे आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा एक्शन लिस्टनर आपका कहाँ से आता है, एक्शन लिस्टनर यहाँ पे इंटरफेस है जिसको मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। ये आता है आपका इवेंट्स पैकेज के अंदर से, बिल्कुल ठीक है, AWD के इवेंट पैकेज के अंदर से आता है। और यहाँ पे अगर आप एक्शन लिस्टनर देखोगे ना, तो यहाँ पे अनइम्प्लीमेंटेड एक मेथड होता है एक्शन परफॉर्म्ड, मेरे को यहाँ पे इस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे सपोज पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड मैंने यहाँ पे लिखा, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्शन इवेंट एंड AE, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे कौन से बटन के क्लिक पे आपको इवेंट चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट बटन के क्लिक पे इवेंट चाहिए, तो आपको यहाँ पे एक फंक्शन लगाना पड़ेगा, इस पे आपको एक इवेंट को अटैच करना पड़ेगा, जो कि होता है यहाँ पे एड एक्शन लिस्टनर, ठीक है। इस इवेंट को मैंने यहाँ पे अटैच किया, कॉपी किया उसको, यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट किया सपोज, और यहाँ पे लाके सपोज मैंने तीनों में मेरे को चाहिए, तो तीनों मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट की जगह आपको यहाँ पे लाइफ लाइन लिखना है, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट की जगह लिखना है सबमिट, बिल्कुल सही है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे जो बटन है वो लोकली डिफाइंड है, तो यहाँ पे आपको बटन्स को आपको यहाँ पे ग्लोबली डिफाइन करना है। तो आपको यहाँ पे काम करना है, जे बटन, तीन बटन से मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट के नाम से एक बटन है, एक बटन यहाँ पे सबमिट के नाम से, और एक बटन यहाँ पे आपका लाइफलाइन के नाम से, ठीक है। तीनों बटन्स की जो लोकल डिक्लेरेशन है उनको मेरे को हटाना है, तो उसको हटाने के लिए आप यहाँ पे जो जे बटन है आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन उसको आप यहाँ से हटा सकते हो। तो यहाँ से जो तीनों डिक्लेरेशन है वो मैंने यहाँ से हटाई। अब यहाँ पे अब इस बटन के क्लिक पे आपको क्या काम करना है वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे एक्शन परफॉर्म फंक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि कौन सा बटन आपका यहाँ पे कॉल हुआ है। अगर यहाँ पे आपका कॉल हुआ है नेक्स्ट बटन, तो आपको यहाँ पे क्या काम करना है। अगर यहाँ पे आपका कॉल हुआ है लाइफ लाइन वाला बटन, तो यहाँ पर आपको क्या काम करना है, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पे सबमिट वाला बटन यहाँ पे कॉल हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या काम करना है। तो यहाँ पे इफ से कंडीशन उसकी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बटन है। अब यहाँ पे जैसे ही आपका यहाँ पे नेक्स्ट बटन कॉल होता है, तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो रीपेंट करना है, ठीक है। रीपेंट करके मेरे को यहाँ पे जो आपका काउंट इंक्रीज करना है, मेरे को यहाँ पे रीपेंट करके आप यहाँ पे जो आपका काउंट है वो यहाँ पे आप इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने सपोज काउंट यहाँ पे इंक्रीज किया, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट बटन के क्लिक पे मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे दिखाना है, और यहाँ पे आपको स्टार्ट मेथड को फिर से कॉल करना है, जो जिसमें आप यहाँ पे काउंट को पास करोगे, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे एक चीज और बोली थी कि मैं यहाँ पे एक चीज को ट्रैक कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे आंसर गिवन, अगर बंदा आंसर कर चुका है या बंदे ने आंसर नहीं किया, ठीक है।
अगर नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक हुआ है तो मतलब बंदा आंसर यहाँ पे कर चुका है, ठीक है। तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सपोज आंसर गिवन को मैंने यहाँ पे वन कर दिया, ठीक है, कि यहाँ पे जो बंदा है वो नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर चुका है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे यही चेक करना है कि क्या बंदे ने आंसर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पूरा यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, इसको मेरे को यहाँ पे ऊपर उठा के पेस्ट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अब ये चेक कर रहा हूँ ग्रुप ऑप्शंस में से, क्या बंदे ने चारों ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अगर नहीं किया तो मैं यहाँ पे एम्प्टी भेज रहा हूँ, अगर किया है तो मैं यहाँ पे जो एक्चुअल ऑप्शन है यहाँ पे मैं वो भेज रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद अगर वो 9th क्वेश्चन है, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ, सबसे पहले चला के दिखाता हूँ, इतना मैं आपको यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे सपोज नेक्स्ट पे अगर क्लिक किया ना, तो नेक्स्ट पे अगर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखो ये आपके यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, ये टाइमर आपका वापस से 15 सेकंड से स्टार्ट हुआ है। फिर से मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, थर्ड क्वेश्चन आ चुका है, टाइमर आपका फिर से यहाँ पे 15 से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे 6th क्वेश्चन आ चुका है, और फिर यहाँ पे 7th क्वेश्चन आ चुका है, 8th क्वेश्चन आ चुका है। जैसे यहाँ पे 9th क्वेश्चन आएगा ना, तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन यहाँ पे आपका डिसेबल होना चाहिए, और सबमिट बटन आपका यहाँ पे अनेबल होना चाहिए 9th बटन पे, ठीक है। 9th बटन पे आपका ये डिसेबल होना चाहिए और ये वाला बटन आपका यहाँ पे अनेबल होना चाहिए, 9th नहीं सॉरी 10th बटन पे, सॉरी। तो आपका यहाँ पे 10th बटन पे ये काम होना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट बटन आपका डिसेबल हो जाए और जो सबमिट बटन है वो आपका यहाँ पे अनेबल हो जाए, ठीक है। तो ये काम आपको करना है यहाँ पे 10th बटन पे, बट एक्चुअल में वो 10th बटन पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 10th बटन को आप यहाँ पे वापस से फिर इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। तो इसको मेरे को करना है एक्चुअल में 9th बटन पे, क्योंकि 9th बटन के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, काउंट को मैं यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मेरे को आपका चेक करना पड़ेगा 9th बटन पे, और काउंट आपका यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक्चुअल में जो उस टाइम पे जो काउंट की वैल्यू होगी वो यहाँ पे 8 होगी। तो मैं यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपके काउंट की वैल्यू 8 है, मतलब वो आपके यहाँ पे 9th क्वेश्चन पे है, तो उस केस में यहाँ पे सेट अनेबल्ड और यहाँ पे कर देना इसको इसको फॉल्स, ठीक है, कि नेक्स्ट को मैं यहाँ पे डिसेबल कर रहा हूँ, और जो आपके यहाँ पे सबमिट बटन है इस केस में मैं यहाँ पे इसको ट्रू मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, चला के देखते हैं चल रहा है क्या। तो सपोज मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका 9th क्वेश्चन। अब अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला बटन आपका डिसेबल होना चाहिए, ये वाला बटन आपका अनेबल होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पे देखो हो भी चुका है। ये आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट बटन आपका डिसेबल होना चाहिए और ये वाला बटन आपका यहाँ पे अनेबल होना चाहिए, जो कि बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो लाइफलाइन वाला ऑप्शन, आपने यहाँ पे सपोज लाइफलाइन वाला जो ये ऑप्शन है आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, ये वैसे वाले बटन पे आपने यहाँ पे क्लिक किया लाइफलाइन वाले बटन पे, तो आपको यहाँ पे एक चेक ये लगाना है कि क्या काउंट की वैल्यू यहाँ पे 2 है, मतलब क्या आप क्वेश्चन यहाँ पे 1 पे हो आप, या फिर काउंट की वैल्यू यहाँ पे 4 है, या फिर आपको यहाँ पे काउंट की वैल्यू आपके यहाँ पे 6 है, ठीक है, या फिर जो काउंट की वैल्यू है वो आपके यहाँ पे 8 है, ठीक है, या फिर आपकी जो काउंट की वैल्यू है वो यहाँ पे आपकी 9 है। मैंने यहाँ पे एक चेक लगाया हुआ है कि अगर आपके यहाँ पे ये सब, अगर आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, सेवन्थ क्वेश्चन है और एट्थ क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू है आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जो आपका ऑप्शन 2 है उसको मेरे को यहाँ पे डिसेबल करना है, सेट अनेबल्ड, और यहाँ पे मेरे को कर देना है इसको फॉल्स, ठीक है। इस केस में मेरे को यहाँ पे इसको डिसेबल करना है ऑप्शन 2 को, और इस केस में ऑप्शन 3 को। बट अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, लाइफलाइन वाले में मेरे को यहाँ पे क्या करना है, 50-50 लाइफलाइन है, यहाँ पे दो ऑप्शन आपके डिसेबल होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 इस केस में मेरे को यहाँ पे डिसेबल करना है, अगर एक काउंट की वैल्यू इसके अलावा अगर कुछ और है तो, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा तो आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे 50-50 लाइफलाइन का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो आप यहाँ पे देखोगे दो ऑप्शंस आपके यहाँ पे डिसेबल हो चुके हैं, और सब अब सिर्फ यहाँ पे दो ही ऑप्शंस बचे हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अब अगर ये यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेम पे जाएगा तो ऑप्शंस आपके फिर भी डिसेबल्ड रहेंगे। सपोज मैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे गया तो आप यहाँ पे देखो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आपके अब भी डिसेबल्ड है। तो इस केस में मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे आएगा तो पेंट ऑप्शन के केस में मेरे को यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे टाइमर आपका लेस देन 0 है तो इस केस में मेरे को यहाँ पे OPT1 सेट अनेबल्ड और इसको मेरे को यहाँ पे फॉल्स करना पड़ेगा, सेट अनेबल्ड, और इसको मेरे को यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे अनेबल जो है ये ट्रू हो जाए, ठीक है। जैसे वो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते ही जो आपके यहाँ पे ऑप्शन है वो आपके यहाँ पे अनेबल हो जाए, तो एक सेकेंड
बढ़िया। तो अगर मैं आपको यहाँ पे फिर से इसको चला के दिखाऊं, मैंने यहाँ पे 50-50 लाइफलाइन का मैंने यहाँ पे यूज किया, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पे डिसेबल हो चुके हैं। बट जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएगा, मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा, ये अपने आप यहाँ पे टाइम अप होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएगा, तो आपके जो चारों ऑप्शन है वो आपके अनेबल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो चारों ऑप्शन है ये आपके यहाँ पे अनेबल हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि 50-50 लाइफलाइन वाला जो बटन है वो आप यहाँ पे यूज कर चुके हो। तो आपको एक बार अगर आप इस बटन को यूज कर चुके हैं तो आपको वापस से इस बटन को अनेबल नहीं करना, ये आपको डिसेबल ही रखना है। एक चीज और है, अगर मैंने सपोज यहाँ पे 50-50 लाइफलाइन मैंने यहाँ पे फिर से सपोज यूज करी, तो यहाँ पे अब जो ये दो ऑप्शंस हैं, अगर मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये दो ऑप्शंस आपके यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखो ये दो ऑप्शंस आपके अब भी डिसेबल्ड है। नेक्स्ट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये दो ऑप्शंस आपके यहाँ पे अब भी डिसेबल्ड है। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एक्शन परफॉर्म फंक्शन है उसके अंदर जब आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हो तो उस केस में भी आपको यहाँ पे इन चारों को जो है अनेबल करना है। तो आपको यहाँ पे वापस आना पड़ेगा, और वापस आने के बाद जहाँ पर आप इसको रिपेंट कर रहे हो, रिपेंट के जस्ट नीचे आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हो कि चारों ऑप्शन जो भी आपके उसको आप यहाँ पे वापस से अनेबल कर रहे हो, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे काम करना है कि जो आपको यहाँ पे जो आपका लाइफलाइन वाला बटन है, ठीक है, इसको आपको डिसेबल कर देना है सिर्फ एक बार यूज होने के बाद। अगर आपका ये एक बार यहाँ पे यूज हो चुका है तो आपको यहाँ पे सेट इनेबल्ड को यहाँ पे आपको फॉल्स कर देना है कि आपको जो लाइफलाइन वाला बटन है उसको आप वापस से यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेट लाइफलाइन वाले बटन को मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया। तो 50-50 लाइफलाइन मैंने यहाँ पे यूज किया, दोनों ऑप्शन आपके डिसेबल हो चुके हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये वाला जो बटन है वो आपका यहाँ डिसेबल्ड है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद चारों ऑप्शन आपके यहाँ पे फिर से अनेबल हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को ये काम करना है कि ये जो हमने यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे चेक लगाया था नेक्स्ट बटन के क्लिक पे, जो यहाँ पे नेक्स्ट बटन के क्लिक पे यहाँ पे अपने आप यहाँ पे अगर काउंट की वैल्यू यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे वाला चेक लगाया था मैंने, ये वाला चेक मेरे को पेंट मेथड के अंदर भी लगाना है, ठीक है। ये वाला चेक मेरे को यहाँ पे भी लगाना है। ऐसा क्यों 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 करना है, सपोज मैंने नेक्स्ट बटन पे वहां पे क्लिक ही नहीं किया और वो अपने आप वहां पे चला गया, तो उस केस में वो इस वाले फंक्शन में नहीं आएगा, ठीक है, बट वो उस केस में पेंट मेथड के अंदर आएगा। तो अब यहाँ पे मेरे को ये वाला चेक लगाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, आपको यहाँ पे else if अगर टाइमर इज लेस देन जीरो, अगर टाइमर आपका पूरा हो चुका है और आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक नहीं किया, तो उस केस में आपको यहाँ पे इफ का ये वाला चेक लगाना है। अगर काउंट आपका इक्वल्स टू 8 है तो उस केस में आपको यहाँ पे ये काम करना है, एंड बट अगर आपको यहाँ पे काउंट डबल इक्वल्स टू 9 है और आपने सबमिट बटन पे एक सपोज क्लिक नहीं किया, नेक्स्ट बटन तो छोड़ो आपने सबमिट बटन पे क्लिक नहीं किया, अगर आप सबमिट बटन पे क्लिक नहीं करते टाइम अप होने से पहले, तो वो आपका जो पूरा क्विज है वो अपने आप वहां पे सबमिट होना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे ये काम भी करना है, ठीक है। तो इसको भी कर लेंगे। तो यहाँ पे इफ का केस आएगा क्योंकि ये यहाँ पे सबमिट वाला केस है, या ये वाला जो केस है ये आपका यहाँ पे सबमिट बटन वाला केस है, ठीक है, एंड एल्स करके ये आपका ये वाला आपका जो केस है वो आपका नेक्स्ट बटन वाला केस है, ठीक है। तो एल्स के अंदर आपको यहाँ पे फिर ये सब डालना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर सपोज यूजर ने सबमिट बटन पे क्लिक नहीं किया तो वो यहाँ पे ऑटो सबमिट होना चाहिए, अगर वो सपोज यूजर ने यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक नहीं किया तो वो अपने आप वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए। तो आप यहाँ पे इन दो चीजों को हैंडल कर रहे हो। अगर यहाँ पे यूजर ने सपोज सबमिट बटन पे क्लिक नहीं किया तो वो अपने आप यहाँ पे सबमिट होना चाहिए, और सबमिट करते हुए मेरे को यहाँ पे कुछ चीजों को कैलकुलेट करना है, मेरे को यहाँ पे कुछ चीजें को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है कि बंदे ने लास्ट ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट किया है। तो मेरे को ये वाला जो पूरा कोड है वो यहाँ पे मेरे को पेस्ट करना पड़ेगा कि जो यूजर है उसने जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें कौन सा ऑप्शन उसने सेलेक्ट किया है, और जब वो ऑप्शन वहां पे सेलेक्ट कर लेगा तो उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक फोर लूप चलाना है और यहाँ पे उसका स्कोर कैलकुलेट करना है, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे उस बंदे का स्कोर दिखाना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इंट आई इज इक्वल्स टू 0, मेरे को यहाँ पे फोर लूप चलाना पड़ेगा, और फोर लूप मेरे को कहाँ तक चलाना है, जहाँ जहाँ तक यूजर आंसर्स की लेंथ है, जो यूजर्स आंसर्स मेरे यहाँ पे एरे है उसकी जो लेंथ है वहां तक मेरे को फोर लूप चलाना है। मैंने यहाँ पे इसको आई प्लस प्लस किया, मेरे को यहाँ पे अब मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है कि अगर, ठीक है, अगर यूजर ने जो आंसर किया है, अगर यूजर ने जो आंसर किया है, एक सेकेंड, यूजर आंसर्स और इसके आईएथ वाली पोजीशन पे जो जीरो लोकेशन है, ठीक है, मतलब जो जो मैंने यहाँ पे स्टोर करवाए थे यूजर आंसर्स, अगर आप देखो तो मैंने जो स्टोर करवाए थे वो जीरो पोजीशन पे, मैंने यहाँ पे स्टोर करवाए थे। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ अगर ये जो है अगर ये इक्वल्स है, किसके इक्वल ये होना चाहिए, जो मेरा आंसर्स एरे है, जो मेरा यहाँ पे आप अगर यहाँ पे देखो जो मेरे
आंसर्स वाला जो मेरा एरे है, अगर जो यूजर ने आंसर किया है उसकी जो वैल्यू है वो इसकी इक्वल है जो मेरा एक्चुअल आंसर एरे है, तो उस केस में मेरे को +10 करना है, मतलब यूजर को मेरे को यहाँ पे +10 देना है, तो उस केस में मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा अगर ये मेरा आंसर्स आंसर्स के केस में आई और यहाँ पे उसको मैंने स्टोर करवाया हुआ है 1th पोजिशन पे, आंसर यूजर का आंसर मैंने स्टोर करवाया था 0th लोकेशन पे जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, बट जो एक्चुअल आंसर है मेरे वो यहाँ पे 1st पोजिशन पे है जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये चेक किया कि जो यूजर आंसर है, जो यूजर ने आंसर किए हैं अगर वो इक्वल है, ठीक है यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कंपेरिजन कर रहा हूँ, अगर वो इक्वल है मेरा जो एक्चुअल आंसर है उससे, तो मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, स्कोर में मेरे को यहाँ पे प्लस प्लस इज इक्वल्स टू 10 डालना है। स्कोर क्या चीज है, स्कोर यहाँ पे मेरे को एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है तो यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं, इनिशियली आपका जो स्कोर होगा वो यहाँ पे 0 होगा, तो मैंने सपोज यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक इंट और यहाँ पे सपोज स्कोर इज इक्वल टू 0, स्कोर मैंने यहाँ पे इनिशियली 0 लिया, बट अगर यहाँ पे आपका जो जो आपका यहाँ पे वो है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट बटन है और नेक्स्ट बटन के ऊपर यहाँ पे अगर आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने स्कोर को यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट किया +10 से कि यहाँ पे बंदे को +10 पॉइंट्स मिल जाए, ठीक है। बट अगर आपने यहाँ पे गलत आंसर किया है तो यहाँ पे एल्स में स्कोर प्लस इज इक्वल टू 0, वैसे ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, एल्स पार्ट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप स्कोर में 0 ऐड कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं बैठता, बट ठीक है लिख भी सकते हैं या इसकी कोई जरूरत नहीं, आप इसको हटा भी सकते हो, तो बिल्कुल मस्त है। तो इससे क्या होगा, इससे आप यहाँ पे जो स्कोर है उसको यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे ही आप यहाँ पे सब पूरा स्कोर यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो, तो आप यहाँ पे इसको सेट विजिबल को आप यहाँ पे फॉल्स कर सकते हो, सेट विजिबल को फॉल्स करने के बाद आप यहाँ पे जो आपकी नई क्लास है जो आप यहाँ जहाँ पे आप स्कोर को डिस्प्ले करवाओगे वाली क्लास का यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बना के उस क्लास को आप यहाँ पे खोल सकते हो, तो ये काम आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब ये वाला जो काम मैंने यहाँ पे किया है, ये मैंने यहाँ पे किया है पेंट मेथड के अंदर, मैं यहाँ पे पेंट मेथड के अंदर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर सबमिट बटन पे यूजर ने अगर क्लिक नहीं किया तो मैं यहाँ पे अपने आप में यहाँ पे उसको सबमिट मार दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपने आप उसको मैंने यहाँ पे सबमिट किया, करंट फ्रेम को मैंने यहाँ पे क्लोज किया और मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास का फ्रेम खोल रहा हूँ जहाँ पे मैं स्कोर को डिस्प्ले करवाऊंगा, बट अगर सपोज यूजर ने सबमिट बटन पे क्लिक किया है उस केस में मेरे को यहाँ पे ऊपर जाना पड़ेगा और जो मेरा यहाँ पे सबमिट बटन वाला है एल्स है, अब मैं यहाँ पे एक्शन परफॉर्म फंक्शन के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे नेक्स्ट बटन है, ये मेरा यहाँ पे लाइफलाइन वाला बटन है और ये मेरा यहाँ पे सबमिट वाला बटन है, आप यहाँ पे एल्स इफ करके इसको चेक भी कर सकते हो अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो अगर यहाँ पे सपोज ये सबमिट के इक्वल है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो क्योंकि बिल्कुल सेम ही है, तो इसको सपोज मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, इसको 1 सेकेंड के लिए यहाँ पे ये कर लेते हैं, अरे अरे ब्रो ठीक है बेटे 1 मिनट चाहिए बस मेरे को, इसने यहाँ पे गड़बड़ मचा दी, इंडेंटेशन बस मेरे को थोड़ी सी यार ठीक करनी है, ठीक है इंडेंटेशन ठीक होनी चाहिए, मतलब कोड इजीली समझ आता है अगर आपके इंडेंटेशन ठीक है तो बढ़िया। तो अगर जैसे आप यहाँ पे आपने अगर यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक किया तो मतलब यूजर आंसर कर चुका है, यूजर ने वहां पे बटन पे क्लिक किया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा आंसर गिवन और इज इक्वल टू 1, तो बटन पे यूजर ने यहाँ पे क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे उसको वो डाल दिया, और फिर मैंने यहाँ पे जो आपका यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है, जो आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है उसका मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि यूजर ने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो आंसर है मैंने यहाँ पे उसको कैलकुलेट किया, उस आंसर को कैलकुलेट करने के बाद मैंने यहाँ पे जो फ्रेम है उसको मैंने यहाँ पे क्लोज किया और मैंने जो यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेम है उसका मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। तो अगर आप इतना कर दोगे ना तो इतने से हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है कि यहाँ पे आपको एक नई क्लास बनानी है और वो क्लास होगी आपके यहाँ पे स्कोर के नाम से जहाँ पर आप अपने स्कोर को डिस्प्ले करवाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई और मैंने सपोज यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये स्ट्रिंग ARGS, ठीक है, और यहाँ पे सपोज न्यू स्कोर मैंने यहाँ पे लिखा, अरे 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 न्यू स्कोर बढ़िया, और यहाँ पे सपोज आ जाएगा आपका यहाँ पे स्कोर और बिल्कुल ठीक है स्कोर आ गया। यहाँ पे आपका क्विज में जाते हैं वापस, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको स्कोर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, दो चीजें मेरे को यहाँ पे पास करनी पड़ेगी, पहला जो होगा यहाँ पे आपका यूजर नेम, दूसरा होगा यहाँ पे आपका स्कोर कि क्या यूजर नेम है आपका और यहाँ पे क्या स्कोर है। यूजर नेम कहाँ से आएगा, यूजर नेम मेरे को पीछे से पास करना पड़ेगा, उसके लिए आप यहाँ पे काम कर सकते हो कि यहाँ पे सपोज मैंने लिखा स्ट्रिंग यूजर नेम, ठीक है, ये आपका पीछे से आएगा, ये मैं दिखाता हूँ अभी कहाँ से आएगा, तो मेरे को यहाँ पे इसको दिस डॉट यूजर नेम इक्वल्स टू, मेरे को यहाँ पे इसको ग्लोबली स्टोर करवाना पड़ेगा, बट ग्लोबली स्टोर करवाने के लिए मेरे को इसको यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम को ग्लोबली डिक्लेयर किया, ठीक है।
अब यहाँ पे स्कोर के अंदर मैंने यहाँ पे इसको पास किया, एक जगह मैंने स्कोर का ऑब्जेक्ट और बनाया था, वहां पे भी मेरे को सेम चीज करनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्कोर का ऑब्जेक्ट बनाया था, तो आपको यहाँ पे काम करना है, आपको यहाँ पे न्यू स्कोर लिखना है। पहला ऑब्जेक्ट का पहला आर्ग्यूमेंट आपको यहाँ पे यूजर नेम पास करना है, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट आपको यहाँ पे स्कोर पास करना है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे रूल्स के अंदर जाते हैं, यहाँ पे जहां पर भी आप यहाँ पे स्टार्ट के क्लिक पे, अब यहाँ पे स्टार्ट के क्लिक पे आपको यहाँ पे क्विज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देना है, और यहाँ पे इसके अंदर आपको यहाँ पे यूजर नेम पास करना है, जो भी यूजर का यूजर नेम है वो आपको यहाँ पे पास करना है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे फ्रेम को आपको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सेट विजिबल को मैंने यहाँ पे फॉल्स किया, जो यूजर नेम है वो हमारे पास पीछे से आ रहा है। आप यहाँ पे देखो स्क्रीन, यूजर नेम जो यूजर नेम है वो आपको यहाँ पे पीछे से आ रहा है, और जिसको मैंने यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे स्टोर करवा रहा है। ये एक्चुअल में नेम है, यूजर नेम नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे इसको यूजर नेम लिया हुआ है, या आप इसको यहाँ पे नेम भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो नेम है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैं आया, और यहाँ पे आप इसको नेम ले ले सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पे वो एक्चुअल में यूजर नेम नहीं है, वो नेम ही है, मेरे दिमाग से निकल गया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको नेम ले सकते हो, तो दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे आप नेम पास कर रहे हो, यूजर नेम यहाँ पे आप पास नहीं कर रहे, एंड आपको फिर वापस से यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे जो नेम है आप यहाँ पे वो डाल सकते हो, बिल्कुल ठीक है। कहीं पर एरर है, ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पीछे से मैं दो चीजें पास कर रहा हूँ, एक तो है आपका यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, दूसरा है आपका यहाँ पे स्ट्रिंग स्कोर। स्ट्रिंग नहीं है शायद, यहाँ पे इंट है, इंट स्कोर, ठीक है। दो चीजें मैंने यहाँ से पास करी हैं, और यहाँ से आपको सपोज यहाँ पे मैं इनिशियली मैं यहाँ पे सपोज यूजर पास कर रहा हूँ, ठीक है, और सपोज स्कोर मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 0, तो आप जो यहाँ से स्कोर से जो एरर है वो यहाँ से जा चुका है, ठीक है। क्विज में एरर है, क्विज में शायद इसलिए एरर है क्योंकि मैं यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, बट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरे पास अब नहीं है, मेरे पास यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो आपको यहाँ पे एक एक आर्ग्यूमेंट है जिसमें, तो मैंने यहाँ पे उसके अंदर यूजर पास किया, तो सारे एरर्स यहाँ से जो है वो जा चुके हैं, तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसके बाद अब यहाँ पे आपको एक काम करना है, जो आपके यहाँ पे स्कोर वाली क्लास है, अब यहाँ पे आपको वो बनानी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस यहाँ पे एक काम करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको आना है, और कुछ चीजें मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे आपको एक काम करना पड़ेगा, कुछ चीजें यहाँ पे आपको इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने सपोज इम्पोर्ट किया जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट स्टार, ठीक है, और जावा डॉट इम्पोर्ट जावा डॉट जावा एक्स डॉट स्विंग जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार, यहाँ पे मैंने इसको सपोज इम्पोर्ट किया, ठीक है। एक चीज मेरे को यहाँ पे और भी चाहिए, उसको भी साथ साथ ले लेते हैं, ठीक है, वरना वो बाद में करनी पड़ेगी। AWT के इवेंट पैकेज को मेरे को यहाँ पे इम्पोर्ट करना है, मैंने यहाँ पे AWT के इवेंट पैकेज को मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया, और मैंने यहाँ पे सपोज एक्सटेंड किया आपके जे फ्रेम को, इम्प्लीमेंट्स मैंने यहाँ पे किया एक्शन लिस्टनर को, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये सभी बिल्कुल परफेक्ट चलेंगे। अब यहाँ पे आपको एक काम करना है, यहाँ पे आपको लिखना है पब्लिक एंड वॉइड एन एक्शन परफॉर्म, वरना वो एरर देता रहेगा, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, और यहाँ पे आपको लिखना है एक्शन इवेंट एंड AE, क्योंकि यहाँ पे बटन बटन पे मेरे को यहाँ पे क्लिक करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये सब ले रहा हूँ, और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा जे लेबल, बिल्कुल ठीक है। तो सारे एरर्स यहाँ से जा चुके हैं, मेरे को यहाँ पे फ्रेम बनाना है, तो फ्रेम सपोज कहाँ से मेरे को दिखाना है, लेफ्ट से मैं ले रहा हूँ सपोज 600, ऊपर से कितना ले, ऊपर से सपोज ले लेते हैं इसको 150, फ्रेम की लेंथ कितनी ले सपोज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 750, फ्रेम की वेथ कितनी चाहिए सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 550, गेट कंटेंट पेन, फ्रेम का कलर मेरे को यहाँ पे व्हाइट चाहिए, इमेज मेरे को यहाँ पे चाहिए, लेकिन इमेज मेरे को यहाँ पे चाहिए इस बार स्कोर डॉट पीएनजी, आप जो यहाँ पे थर्ड इमेज देख रहे हो ये वाली इमेज, जो यहाँ पे थर्ड इमेज है स्कोर डॉट पीएनजी, ये वाली वो इमेज है जो मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको सेट किया कहाँ से चाहिए, सपोज लेफ्ट से तो 0, लेफ्ट से कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से सपोज 200, फ्रेम इमेज में कोई इतनी बड़ी नहीं चाहिए, लेंथ में कोई यहाँ पे सपोज चाहिए 300, और विथ में कोई यहाँ पे सपोज चाहिए 250, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ मस्त चलेगा, बट यहाँ पे अभी चलेगा नहीं है, मेरे को यहाँ पे सेट विजिबल लगाना पड़ेगा, सेट विजिबल ट्रू जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक ये चलेगा नहीं। तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे फ्रेम आएगा, ठीक है, बट यहाँ पे जो इमेज है वो यहाँ पे परफेक्टली नहीं आई, तो मेरे को यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको 400 लेते हैं, ताकि ये थोड़ा सा लेफ्ट में आ जाए फ्रेम, कुछ इस तरह, बिल्कुल ठीक है। इमेज को मेरे को यहाँ पे स्केल करना पड़ेगा, तो इमेज को आप यहाँ पे स्केल कर सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे इमेज क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट की मतलब यहाँ पे आप I1 से यहाँ पे आप गेट इमेज को कॉल कर सकते हो, यहाँ पे एक फंक्शन होता है गेट स्केल इंस्टांस, ठीक है, उसमें से आप यहाँ पे जो इमेज है उसको आप यहाँ पे पास कर सकते हो। इमेज की लेंथ में यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज 300 एंड 250, यहाँ पे मैं इमेज को स्केल कर रहा हूँ, ठीक है, इमेज को मैं यहाँ पे स्केल कर रहा हूँ, क्रॉप नहीं कर रहा, सिर्फ स्केल कर रहा हूँ। वापस से इसको मेरे को इमेज आइकन के अंदर
अंदर यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इमेज आइकन का मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैं यहाँ पे आई टू को पास कर रहा हूँ, जो इमेज क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको मैंने यहाँ पे पास किया, और मैंने यहाँ पे आई थ्री को पास किया, तो जो इमेज है वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आएगी। आप यहाँ पे देखो इमेज यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को एक हेडिंग दिखानी है, तो मेरे को जो जे लेबल है वो यहाँ पे आपका हेडिंग वाला जे लेबल होगा, और इसमें आपको क्या काम करना है, इसमें आपको कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे सपोज लिखा थैंक यू, और जो भी आपका यूजर नेम है, ठीक है, यूजर नेम नहीं है, जो भी आपका यहाँ पे नेम है, यूजर नेम के ले रहा हूँ मैं बार बार, जो भी आपका यहाँ पे नेम है, ठीक है, फॉर प्लेइंग और सिंपल माइंड्स, सिंपल माइंड्स यहाँ पे क्विज का नाम है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे सिंपल थैंक यू फॉर प्लेइंग सिंपल माइंड्स। और यहाँ पे इसको कहाँ से मेरे को स्टार्ट करना है, तो सपोज 45 से लेफ्ट से 45, ऊपर से सपोज 30, ठीक है, पूरे फ्रेम पे मेरे को इसको दिखाना है, तो सपोज 700, और इसकी विथ ले लेते हैं सपोज 30, ठीक है। बाकी सब कुछ तो बिल्कुल सेम रहेगा, या थोड़ा सा टेक्स्ट साइज बढ़ा लेते हैं, 26 में यहाँ पे कर रहा हूँ चला के। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो थैंक यू यूजर फॉर प्लेइंग सिंपल माइंड्स, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे आपका यहाँ पे स्कोर को मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज एक और मैं यहाँ पे जे लेबल ले ले रहा हूँ, जो कि होगा आपको यहाँ पे स्कोर के नाम से, तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे स्कोर से रिप्लेस किया, और यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। और जे लेबल स्कोर, अरे क्या हुआ, एक एरर दे रहा है, वेरिएबल स्कोर इज ऑलरेडी डिफाइंड, अच्छा इंट स्कोर वो ऑलरेडी डिफाइंड है क्या, ठीक। एलबीएल स्कोर ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोज एलबीएल स्कोर लिया मैंने, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे स्कोर है वो मेरे को यहाँ पे दिखाना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो योर स्कोर इज, योर स्कोर इज, और आप यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे कनकैट कर सकते हो दिस, ठीक है। कहाँ पे मेरे को ये वाला लेबल दिखाना है, तो सपोज लेफ्ट से मेरे को आगे दिखाना है थोड़ा, क्योंकि मैं वहाँ पे इमेज भी दिखा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 350 लिया, इसको सपोज ले लेते हैं 200, लेबल इतना बड़ा नहीं है तो ये 300 में आ जाएगा, और यहाँ पे सपोज मैंने लिया 30, ठीक है। और आप इसको तोहमा ही ले सकते हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो अगर आप इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड चला के देख लेते हैं, यहाँ पे योर स्कोर इज जीरो यहाँ पे लिखा आना चाहिए, योर स्कोर इज जीरो। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे एक बटन चाहिए, तो बटन को यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। तो एक बटन मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, और यहाँ पे, और जे बटन एंड सबमिट, ठीक है, सबमिट सपोज, और यहाँ पे प्ले, और ये होगा आपका यहाँ पे प्ले अगेन वाला बटन। कहाँ पे मेरे को इसको दिखाना है, इसके सेट बाउंस को मेरे को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, तो लेफ्ट से सपोज 400, और कितना दिखाएं सपोज ऊपर से सपोज 270, और 120 यहाँ पे इसके बटन की लेंथ होगी, और 30 इसके बटन की यहाँ पे विथ होगी, ठीक है। और बाकी सब तो सेम रखते हैं, बाकी सब यहाँ पे इसको सेट इनेबल को यहाँ से हटा देते हैं, और चला के देखते हैं, तो यहाँ पे बटन मेरे पास आना चाहिए। अरे क्या हुआ, बटन क्यों नहीं आया, सेट बैकग्राउंड, सेट फोरग्राउंड, और यहाँ पे सबमिट डॉट सेट बाउंड्स 400 एंड 270, और यहाँ पे, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको ऐड नहीं किया, सबमिट को मेरे को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, चला के देखते हैं। तो प्ले अगेन वाला बटन यहाँ पे बिल्कुल सही आया, बट काफी छोटा है, काफी छोटा आ रहा है वो छोटा शायद इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे इसको फॉन्ट को, यहाँ पे मैं इसको फॉन्ट को हटाते हैं, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो प्ले अगेन यहाँ पे बटन आपका बिल्कुल सही आया, या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा लेफ्ट में ले सकते हैं, 350 ले रहा हूँ सेट बाउंस में, ठीक है, 350 तो ज्यादा कम हो गया, इसको ले लेते हैं 380, थोड़ा सा सेंटर मेरे को दिखाना है, ठीक है, बिल्कुल सही है, योर स्कोर इज दिस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इस बटन पे यहाँ पे क्लिक करते हो, तो मेरे को यहाँ पे ये वाला जो ये फ्रेम है उसको यहाँ पे मेरे को क्लोज करना है, मैंने यहाँ पे लिखा सेट विजिबल फॉल्स, ठीक है, और मेरे को यहाँ पे जो आपकी ये वाली क्लास है, लॉगिन वाली क्लास है, मेरे को यहाँ पे इसको खोल देना है, दैट्स इट, बस इतना सा काम करना है। तो चला के देखते हैं, तो एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे, इसको मैंने सपोज प्ले अगेन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये क्लोज हो गया और यहाँ पे ये खुल गया, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैं ले रहा हूँ टॉम के नाम से, रूल्स पे गए, तो वेलकम टू टॉम टू सिंपल माइंड्स, और यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया, 15 सेकंड आपके पास, यहाँ पे मैंने सपोज विच इज यूज टू फिक्स बग्स, एंड मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया, वट इज द रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट में यहाँ पे सपोज सिलेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, रैंडम क्लास कौन से पैकेज में होती है, सपोज यूटिल पैकेज में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, एंड इंटरफेस इज विद नो फील्ड्स, मार्कर इंटरफेस, ठीक है, स्ट्रिंग कौन सी मेमोरी में यहाँ पे स्टोर होती है, तो सपोज स्ट्रिंग मेमोरी मैंने यहाँ पे लिखा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कर इंटरफेस, कौन सा यहाँ पे मार्कर इंटरफेस है। मैं सपोज यहाँ पे रनेबल इंटरफेस को यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया, कौन से कीवर्ड से आप जो पैकेज के फीचर्स है उनको एक्सेस कर सकते हो। तो सपोज 50-50 लाइफलाइन का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो पैकेज और एक्सटेंस यहाँ से जा चुके हैं। इम्पोर्ट का मैंने सपोज यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है। इन जावा जार स्टैंड फॉर जावा आर्काइव मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, नेक्स्ट पे सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। म्यूटेबल क्लास कौन सी होती है जावा में, तो यहाँ पे सपोज मैंने स्ट्रिंग बिल्डर को यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। आप नहीं भी सिलेक्ट करोगे तो भी चलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके सबमिट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो योर स्कोर इज 50। 10 में से 5 क्वेश्चंस मेरे बिल्कुल सही हुए हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया तो वाला फ्रेम मेरा क्लोज हो गया, यहाँ पे मेरा ये वाला फ्रेम खुल गया, तो बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। एंड आप यहाँ से इसको डायरेक्टली एग्जिट भी कर सकते हो, या फिर प्ले अगेन करके यहाँ पे आप बैक करोगे तो ये आपका एग्जिट हो जाएगा। तो बिल्कुल मस्त चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करना। बाकी जावा प्रोजेक्ट्स, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स, मन स्टैक प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट्स, बाकी सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। कहीं पे आप अगर फंसे हो कमेंट जरूर करना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अनदर प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।